हदीस में आया है कि देवर मौत है। जी जी बिल्कुल। उस दिन मौलाना साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था ये खिलवत का मामला है, ये घर के अंदर कंबाइंड फैमिली में ये थोड़ी बहुत लचक है। हाँ हाँ बिल्कुल यही बात बताई थी जी मेरे एक साथी, उन्होंने एक और हदीस कोटिंग की है कि जब आयशा और एक और उम्मत मोहम्मद बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा एक नाबीना साहबी आए तो उन्होंने कहा कि ये हमें तो नहीं देख, इनकी ये तो हमें नहीं देख सकते इनके आंधे हैं। आपसे उन्होंने सुना कि तुम लोग तो अंधे नहीं हो ना, जब इतने मामला सख्त हो तो फिर देवर के साथ कंबाइंड फैमिली में किस तरह वो जायज हो सकते हैं। ठीक है चले बिलाल साहब, आपने जो बात कही ना, पहली बात तो मैंने जब कही थी अगर उस पर गौर करते सारे लोग इंशाल्लाह मसला हल हो जाता कि सूरह नूर जिसमें मुंह और हाथ नंगे रखने का हुक्म है ना, वो है घर के अंदर का पर्दा, जहां देवर भी होंगे जेठ भी होंगे मिलने वाले भी आएंगे वहां वाकई बेतकल्फी है, मुंह हाथ नंगे रहेंगे। इस हदीस पर फिर आते हैं, सूरह अहज़ाब है, घर से बाहर के घर से बाहर निकलो तो बड़ी चादरें ओढ़ो, उनका एक पल्ला अपने मुंह के आगे डालो ताकि पहचानी जाए शरीफ जादियां। बात वाजे है, कोई ऐसी उलझन नहीं, दोनों आयतों को गड़बड़ कर देते हैं, पता कोई नहीं चलता, बैरून खाना और अंदरून खाना। अब इस हदीस का मैंने बताया था कि जो है ना मौत, उसका शुरू पड़े ना कि आपने फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है वो किसी ऐसी औरत के साथ जो उसकी मरहम नहीं तन्हाई में ना बैठे, तो लोगों ने कहा देवर जेट फरमाया वो मौत। बात तन्हाई की है कि ऐसी तरह महफूज जगह बंद कमरा जहां किसी के अचानक आ जाने का कोई इस्तेमाल नहीं, कुंडियां चढ़ी है, ये बातें मना की है। जो सहाबी की बात कही, एक तो मेरी बात के खिलाफ नहीं, अगर सही माने सही नहीं वो भी कर दूंगा, मगर वो अजनबी आदमी, एक अजनबी आदमी का तो मैं भी कहता हूँ जिससे कोई ताल्लुक नहीं उसे पर्दा होना चाहिए चेहरे का। दूसरी बात ये खुद नहीं सही कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आए हजरत उम्मे सलमा और दूसरी एक बीवी बैठी थी, आपने फरमाया पर्दा करो, उन्होंने कहा ये तो नाबीना, तो फरमाया तुम भी नाबीनी हो नहीं देखती, ये रिवायत नहीं सही। बिलाल ज़ईफ़ है और हो भी ठीक तो ये एक बेगाना आदमी है, उसकी बात तो हो ही नहीं रही, ये देवर जेठ वगैरह बेगाने नहीं है, ये घर वाले हर वक्त वहां रहते हैं, हर तरह मामला सेट है, आप इंशाल्लाह मुतमैन होंगे, बात पर गौर फरमा। साहब एक और बात है ना कि मसला तो बाहर का आपने कहा ठीक है, लेकिन शर तो फैलने का वहाँ खतरा होता है जहाँ हर वक्त आना जाना हो, और यही तो कहता हूँ तन्हाई नहीं ना इख्तियार कर सकते, ये लोग भी करीबी रिश्तेदार अगर बिल्कुल बंद कमरे में दोनों इकट्ठे होंगे उसको हजूर ने हराम कहा, खतरा क्या होगा जब सब माई बाप सारे बहना भाई इकट्ठे बैठे होंगे, इसमें क्या खतरा होगा, खतरा तो तन्हाई में खलवत में। जी अच्छा जी, मौलाना ये जो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम वाली रिवायत है नहीं, ये सिरे से ही नहीं है या ज़ईफ? नहीं ज़ईफ है ना, बस जो ज़ईफ होती है कलर नहीं होती है ना, उसका क्या जिक्र कर, मसाइल में तो उससे काम लिया ही नहीं जा सकता, ज्यादा ज्यादा रायत लोग देते हैं तो फजाइल में देते हैं ना कि सवाब बयान करने के लिए कच्ची भी है उसमें आया कि जो रोजा रखेगा उसको इतने हजार गुना सवाब अल्लाह देगा, चलो अल्लाह का फजल बड़ा, मगर ये तो मसला है ना शरी हुक्म है कि पर्दा होना चाहिए या नहीं, जी अस्सलाम वालेकुम। कच्ची रिवायत नहीं।